आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एलिप्स x2 अपॉन 25 प्लस y2 अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 1 एट व्हिच द टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस इज a, b देन a + b इज इक्वल्स टू। तो हमारे पास एक एलिप्स गिवन है जिसकी इक्वेशन है x2 अपॉन 25 प्लस y2 अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एलिप्स ड्रॉ करते हैं। तो ये है वाई एक्सिस हमारे पास और ये एक्स एक्सिस, और इसमें बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर से बड़ी है, तो ये हमारे पास वर्टिकल एलिप्स आएगा। तो ये एलिप्स इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया एलिप्स हमारे पास। अब हम पॉइंट ये मान लेते हैं जिसमें हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है। तो ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से आएगी हमारे पास। ठीक है, और हमें कहा गया है कि ये जो टेंजेंट है ये दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, तो ये 90 डिग्री होगा। और हमें कहा गया है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है क्योंकि टेंजेंट जो है वो दोनों एक्सिस से सेम एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों 45 डिग्री के इक्वल आएंगे। तो ये एंगल भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो किसके इक्वल आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास -1 आएगा क्योंकि ये दोनों एक्सिस से 45 डिग्री फॉर्म कर रही है। अगर टेंजेंट हमारे पास इस तरीके से आती तो स्लोप 1 आता, लेकिन इसमें ये x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से 135 डिग्री फॉर्म कर रही है, इसलिए स्लोप आया हमारे पास -1। ठीक है, अब हम ये पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। एलिप्स में हम वही मानते हैं। तो a स्क्वायर की वैल्यू तो है हमारे पास 25 और b स्क्वायर की वैल्यू है 144। ठीक है, तो a cos थीटा कितना आएगा, a cos थीटा आएगा 5 cos थीटा और b sin थीटा आएगा हमारे पास 12 sin थीटा। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, अब इसमें हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं और उसका स्लोप जो है वो -1 के इक्वल कर देंगे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, हम एलिप्स की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा 2x अपॉन 25 प्लस 2y अपॉन 144 इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब dy/dx हमें स्लोप देगा इस एलिप्स का। तो dy/dx क्या आ गया हमारे पास, dy/dx आ गया हमारे पास -2x इंटू 144 डिवाइड बाय 2y इंटू 25। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस x। तो x कितना है, x यानी कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो वो है 5 cos थीटा। तो ये आ गया 5 cos थीटा इंटू 144 और डिवाइड में है y इंटू 25। तो y तो है 12 sin थीटा, तो ये आ गया 12 sin थीटा इंटू 25। ठीक है, तो 12 कैंसिल करेगा 144 को 12 टाइम्स और 5 कैंसिल करेगा 25 को 5 टाइम्स। तो हमारे पास आ गया ये dy/dx इज इक्वल्स टू -12 cos थीटा डिवाइड बाय 5 sin थीटा। ठीक है, और ये इक्वल आएगा हमारे पास किसके, -1 के, क्योंकि स्लोप हमें -1 की बना है। तो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आ गया 12 cos थीटा डिवाइड बाय 5 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो cos थीटा बाय sin थीटा तो tan थीटा के इक्वल आता है, तो tan थीटा आ गया हमारे पास 5/12 क्योंकि 5 को हम उधर ले जाएंगे 12 को नीचे, तो ये 5/12 आ गया। तो ये आ गई हमारे पास tan थीटा की वैल्यू। अब हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्म करा ट्राइंगल, इस एंगल थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा आएगा 5/12, ये आ गया, ये 90 डिग्री एंगल है। तो हाइपोटेनस कितना आएगा, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5² प्लस 12², तो वो आता है 13 के इक्वल। तो ये आ गया, तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू देखें अगर तो आएगी 12/13 और sin थीटा की वैल्यू देखें अगर तो आएगी हमारे पास 5/13। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अब वो जो कोऑर्डिनेट्स है a cos थीटा यानी कि 5 cos थीटा कॉमा 12 sin थीटा, वो क्या आएंगे हमारे पास। तो 5 cos थीटा तो बन जाएगा हमारे पास 5 × 12/13, तो ये आ जाएगा 60/13। वैसे ही 12 sin थीटा बनेगा हमारे पास 12 × 5/13, तो ये भी 60/13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमें a के इक्वल गिवन है और ये b के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, और हमें a + b पूछा गया है। तो a तो आया है हमारे पास 60/13, ये a आया है और b भी यही आया है 60/13। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो a + b आएगा हमारे पास 120/13। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।